हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर टू का लेक्चर वन, विच इज़ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर्स, बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स की जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है, व्हाट इज़ फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस, सपोज द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ द वैल्यू वाई नॉट कोमा वाई वन कोमा वाई टू डॉट डॉट वाई एन फॉर द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू क्या होंगी, x0 कोमा x0 प्लस एच, x0 प्लस टू एच, x0 प्लस थ्री एच डॉट 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 x0 प्लस एन एच। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, बैकवर्ड ऑपरेटर है, तो इन सभी ऑपरेटर्स के जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लेना, जो कि हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस, द डिफरेंस इज वाई वन माइनस वाई जीरो वाई टू माइनस वाई वन। ये हमारी क्या है, एक सीरीज है, डिफरेंस है, किसमें, फंक्शन में, आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है क्या कहलाता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड आर डिनोटेड बाई डेल्टा वाई वाई जीरो डेल्टा वाई वन डॉट 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 डेल्टा वाई एन माइनस वन। सपोज दैट वाई हमारा कोई फंक्शन है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा डेल्टा वाई नॉट से। वेयर डेल्टा इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जैसे कि हमें कोई फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में लाइक वाई एन, तो जब उसके साथ हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तब हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली अब हम इसके लिए सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा की। यहाँ पर डेल्टा की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा वाई एन। ओके, सो डेल्टा वाई एन प्लस वन, तो देखिए डेल्टा वाई एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन में प्लस वन ऐड हो जाता है और माइनस जो हमारे यहाँ पर वाई एन है वो एज इट इज लिख देते हैं। सेम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, एन प्लस वन में प्लस वन ऐड हो गया और माइनस वाई एन प्लस वन को ऐसे ही लिख दिया, माइनस डेल्टा वाई एन, डेल्टा वाई एन इक्वल्स टू क्या है, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, इसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन प्लस का वाई एन। अब वाई एन वन प्लस वन टू, माइनस वाई एन प्लस वन और माइनस का वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस का टू वाई एन प्लस वन प्लस का वाई एन। ओके, तो अगर हम इसे जनरल फॉर्म में कहें तो क्या कहेंगे, डेल्टा की पावर आर वाई एन इक्वल्स टू डेल्टा की पावर आर माइनस वन वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा की पावर आर माइनस वन वाई एन। ओके, अब नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, द डिफरेंस इज वाई वन माइनस वाई जीरो वाई टू माइनस वाई वन डॉट 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 वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेज एंड डिनोटेड बाय डेल्टा वाई वन सॉरी नेपला वाई वन नेपला वाई टू। ये जो क्या होता है, डेल्टा का उल्टा होता है, डेल्टा को उल्टा करके लिख दो तो उसे क्या कहते हैं, नेपला, विच इज कॉल्ड नेपला, नेपला वाई टू डॉट 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 नेपला वाई एन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला बनेगा, विच इज नेपला वाई एन, वाई एन क्या है, हमारा कोई फंक्शन है, वाई एन की जगह आप एफ एक्स भी ले सकते हैं। ओके, तो नेपला वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, आप भी इसे इंपॉर्टेंट पर नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, जैसे अभी हमने फॉरवर्ड में सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाला था, सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे नेपला की। तो यहाँ पर नेपला की मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन बन जाएगी नेपला स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू नेपला वाई एन माइनस नेपला वाई एन माइनस वन। ओके, सो नेपला वाई एन इक्वल्स टू क्या होता है, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। तो ये नेपला वाई एन की जगह हमने क्या लिख दिया, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन एन माइनस वाई एन माइनस वन। एन माइनस वन में क्या करना है, वाई एन को एक बार तो ऐसे ही रहने देना है, तो वाई एन माइनस वन को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, और फिर क्या करना है, एन माइनस वन करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एन माइनस वन है और माइनस वन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस टू। नाउ वाई एन इज़ वाई एन और माइनस का वाई एन माइनस वन और माइनस का वाई एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस का टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू। अब इसे अगर हम जनरल फॉर्म में कहें तो क्या होगा, नेपला की पावर आर वाई एन इक्वल्स टू नेपला की पावर आर माइनस वन वाई एन माइनस नेपला की पावर आर माइनस वन वाई एन माइनस वन। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सो सिमिलरली वाई वन माइनस वाई नॉट ये क्या है, डिफरेंस इक्वल, तो इसे हम डिनोट करते हैं सेंट्रल डिफरेंसेस को डेल्टा से। ओके,
तो वाई वन माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू होगा डेल्टा वाई वन प्लस टू। अब क्या होगा, इधर प्लस वन ऐड होता चला जाएगा, जैसे वाई वन के बाद वाई टू, वाई जीरो के बाद वाई वन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई वन प्लस टू प्लस वन थ्री बाई टू। सिमिलरली वाई थ्री माइनस वाई टू इक्वल्स टू थ्री बाई टू प्लस वन फाइव बाई टू। सिमिलरली डोट 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 वाई एन माइनस वन इक्वल्स टू डेल्टा वाई एन माइनस वन बाई टू। देन दिस डिफरेंस कोल्ड सेंट्रल डिफरेंसेज एंड डेल्टा इज कोल्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर द ऑपरेटर विच इंक्रीज द आर्ग्यूमेंट एक्स। एक्स क्या है, कोई आर्ग्यूमेंट है और उसमें कुछ वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एच। नाउ शिफ्ट ऑपरेटर द ऑपरेटर विच इंक्रीज द आर्ग्यूमेंट एक्स बाय एच इज कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट है अपना एक्स, उसमें जो है कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है जब हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो उस इंक्रीमेंट की जो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उसे हम बोलते हैं एच से, एच से हम उसे डिनोट करते हैं। ओके, शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है ई से। तो देखिए यहाँ पर वाई एक्स हमारा कोई फंक्शन है, तो इसके साथ जैसे ही शिफ्ट ऑपरेटर लगता है तो जो एक्स है उसमें कुछ वैल्यू बढ़ जाती है, क्या बढ़ती है उसे हम किससे दिखाते हैं, एच से। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाता है वाई एक्स प्लस एच। ओके, सिमिलरली यहाँ देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एफ एक्स एक कोई फंक्शन ले लिया, तो उसके साथ जब हमने शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, एफ एक्स प्लस एच। नेक्स्ट इज ई स्क्वायर एफ एक्स। तो गाइस ये जो ई स्क्वायर है ना, ई की जितनी भी पावर होती चली जाएंगी उन सब की मल्टीप्लाई होती चली जाएगी एच के साथ, और वो आर्ग्यूमेंट के साथ ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ई स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस कितनी पावर है टू, तो टू इंटू एच। नेक्स्ट इज ई की पावर थ्री एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर है थ्री, तो एक्स में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा थ्री इंटू एच का। सिमिलरली ये देखिए ई की पावर एन एफ एक्स, तो यहाँ पर पावर कितनी है एन, तो एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी एच के साथ, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस एन एच। ओके, और यदि हम अपना फंक्शन एफ एक्स की जगह वाई एक्स लेते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस एन एच। तो द ऑपरेटर ई इज कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर, और द इनवर्स ऑपरेटर डिफाइंड बाय ई इनवर्स विच इज ई इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, ई की पावर है माइनस वन, तो एक्स माइनस एच, क्योंकि ई की जितनी पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है एच के साथ। सिमिलरली ई की पावर माइनस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी एच में, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एच। ओके, तो द शिफ्ट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज एवरेजिंग ऑपरेटर। तो एवरेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एवरेज क्या होता है, औसत हिंदी में है ना। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमें नंबर्स दिए होते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं जितने नंबर्स हैं उतने से। तो देखिए एवरेजिंग ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है म्यू से, और म्यू जब किसी फंक्शन के साथ ऐड होता है तो इक्वल्स टू हो जाता है वन अपॉन टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ओके, और इसी को अगर हम वाई एक्स के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा वन अपॉन टू वाई एक्स प्लस एच बाई टू प्लस वाई एक्स माइनस एच बाई टू। अब मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन द ऑपरेटर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं, और ये वीडियो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं रिलेशन हियर, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट रिलेशन होता है डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस वन, तो इसको आपको कर लेना है याद माइंड में बिल्कुल, कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, ई माइनस वन। अब करते हैं इसे प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, डेल्टा को इंटू कर दी वाई एन, वाई एन हमारा फंक्शन था, डेल्टा का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में। देखिए ये रहा डेल्टा वाई एन इक्वल्स टू क्या होता है, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। तो यहाँ पर हमने इसी को पुट कर दिया, डेल्टा वाई एन इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। कैसे किया, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला लिख दिया। अब वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन हम कैसे लिखते हैं, ई वाई एन को। ओके, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर को क्या लिखा जाता है, अच्छा ई की पावर वाई एन है, जब शिफ्ट ऑपरेटर ऐड होता है तो एन में कुछ वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, और वो जो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है वो किस पर बेस्ड होती है, ई की पावर पे। यहाँ पे ई की पावर वन है तो क्या होगा, एन प्लस वन, तो हम वाई एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर वन वाई एन माइनस वाई एन। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से वाई एन को ले लेंगे कॉमन, अंदर बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ई माइनस वन। अब वाई एन से वाई एन हो जाएगा कैंसिल, और हमारा यहाँ पर बच जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस वन, और हम वन को इधर भेज दें तो हमारा ई का फॉर्मूला निकल जाता है शिफ्ट ऑपरेटर का, इक्वल्स टू वन प्लस डेल्टा।
सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो. तो चलिए सेकंड रिलेशन देखते हैं. सेकंड रिलेशन है नेपला इक्वल्स टू वन माइनस इनवर्स, ये आपको याद कर लेना है. अब देखिए इसका प्रूफ, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, नेपला वाई एन का फॉर्मूला लिख देंगे. नेपला क्या है यहाँ पर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. देखिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में नेपला वाई एन इक्वल्स टू क्या होता है, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन. अब हम इसे उठा के कहाँ रख देना है अपने प्रूफ, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे नेपला वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन. कहाँ से, बैकवर्ड ऑपरेटर से हमने इसे ले लिया. अब हम क्या करेंगे, वाई एन को ऐसे ही रहने देंगे और वाई एन माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, ई इनवर्स वाई एन. ये कहाँ से आया, हमारा शिफ्ट ऑपरेटर से. ओके शिफ्ट ऑपरेटर से हमने ले लिया, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई शिफ्ट, इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी जो ई की पावर होगी. तो एन माइनस वन, तो यहाँ पर ये तो लिखा है वाई एन माइनस वन, तो इसे हमने क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस वन वाई एन. अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे वाई एन, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा वन माइनस और यहाँ बच जाएगा ई इनवर्स. ओके तो वाई एन से वाई एन हो जाएगा कैंसिल और नेपला इक्वल्स टू हो जाएगा वन माइनस ई इनवर्स. तो नेपला इक्वल्स टू वन माइनस ई इनवर्स. थर्ड रिलेशन है डेल्टा इक्वल्स टू ई की पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू. ओके तो जो डेल्टा है ये होता है हमारा सेंट्रल डिफरेंस, और सेंट्रल डिफरेंस जब फंक्शन के साथ ऐड होता है तो वो इक्वल्स टू हो जाता है फंक्शन x प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू. ठीक है, अगर हम इसे y x के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे y x प्लस एच बाई टू माइनस वाई एक्स माइनस एच बाई टू. अब हम इसे शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कर देते हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होगा, x के साथ कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, वन बाई टू की, तो e की पावर हो जाएगी वन बाई टू और वाई एक्स माइनस. सिमिलरली यहाँ पर h के साथ मल्टीप्लाई है माइनस के वन बाई टू की, तो e की पावर माइनस के वन बाई टू वाई एक्स इक्वल्स टू e की वाई एक्स ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा e की पावर वन बाई टू माइनस e की पावर माइनस वन बाई टू और वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल, यहाँ बच जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू e की पावर वन बाई टू और माइनस e की पावर माइनस के वन बाई टू. देखिए नेक्स्ट रिलेशन है डेल्टा इक्वल्स टू e इंटू नेपला इक्वल्स टू नेपला इंटू e इक्वल्स टू डेल्टा e की पावर वन बाई टू. ओके तो ये रिलेशन होता है, मतलब आप ई नेपला को नेपला ई लिख सकते हो, नेपला ई को डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा को डेल्टा ई की पावर वन बाई टू लिख सकते हो. अब कैसे लिख सकते हो, तो लिखते हैं इसका प्रूफ. तो देखिए ई नेपला, ओके तो हम जानते हैं फर्स्ट रिलेशन से नेपला इक्वल्स टू क्या होता है, वन माइनस ई इनवर्स. ये रहा नेपला इक्वल्स टू वन माइनस ई इनवर्स, ये हमने अभी प्रूफ किया था, तो हम डायरेक्ट नेपला की जगह क्या रख सकते हैं, वन माइनस ई इनवर्स. तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे नेपला की वैल्यू क्या रख दी, वन माइनस ई इनवर्स. ओके अब ई की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ई के वन में करेंगे तो ई माइनस ई इंटू ई इनवर्स, ई इंटू इनवर्स इज वन, क्योंकि ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा वन. तो ई माइनस वन, और ई माइनस वन किसके इक्वल होता है, डेल्टा के. कैसे, रिलेशन वन से अभी हमने प्रूव किया था. ये देखिए डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, ई माइनस वन, तो हम ई माइनस वन को किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल्टा के. ओके तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया ई नेपला इक्वल्स टू डेल्टा. सिमिलरली नेपला ई, अब हमने नेपला इधर लिख दिया, ई इधर लिख दिया, तो नेपला को हम लिख सकते हैं वन माइनस ई इनवर्स इंटू ई. अब ई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की वन में मल्टीप्लाई कीजिए, ई माइनस ई इंटू ई इनवर्स इज वन इक्वल्स टू डेल्टा. कैसे आया, फर्स्ट रिलेशन से. ओके नाउ डेल्टा ई की पावर वन बाई टू, तो हम जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, ई की पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू. तो हम यहाँ पर डेल्टा की जगह क्या रख सकते हैं, ई की पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू और इंटू ई की पावर वन बाई टू. अब ई की पावर वन बाई टू की ई की पावर वन बाई टू में मल्टीप्लाई कीजिए तो ई आ जाएगा, और माइनस ई इंटू ई की पावर ई की पावर वन बाई टू इंटू ई की पावर माइनस वन बाई टू, यानी कि वन अपॉन में ई की पावर वन बाई टू. तो e की पावर वन बाई टू से e की पावर वन बाई टू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का वन, और e माइनस वन क्या होता है, हमारा डेल्टा. तो देखिए हमने इन सबको आपस में कर दिया प्रूव. ओके नाउ कैपिटल e इक्वल्स टू स्मॉल e की पावर एच डी. ओके तो ये रिलेशन आपको याद कर लेना है. अब ये कैसे आया देखिए, वेयर d इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, नाउ वी हैव e इंटू एफ एक्स. e क्या है, हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है और एफ एक्स कोई फंक्शन है. तो जब शिफ्ट ऑपरेटर किसी फंक्शन के साथ लगता है तो उसमें कुछ वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड एच.
सो एफ एक्स प्लस एच, एंड नाउ एफ एक्स प्लस एच को हम एक्सपेंड कर देंगे बाय टेलर थ्योरम, और इसे एक्सपेंड करने पर हमारी इक्वेशन बनती है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स सिमिलरली प्लस डॉट 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 डॉट। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स को रिमूव कर देना है बाय डी। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल है ना एफ डैश एफ डबल डैश, इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे डी का, तो एफ एक्स प्लस एच डी एफ एक्स मतलब एक बार डिफरेंशियल है प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डी स्क्वायर एफ एक्स मतलब टू टाइम डिफरेंशियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे एफ एक्स, तो हमारी सीरीज बन जाएगी वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमारी वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डी स्क्वायर है विच इज एक्सपोनेंशियल सीरीज इज कॉल्ड ई की पावर एच डी, मतलब ई की पावर एक्स हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है ना, तो उसकी जगह हमारे क्या आ जाएगा ई की पावर एच डी, वहाँ पर एक्स होता है यहाँ पर हमारा एच डी है, तो ई की पावर एच डी इंटू एफ एक्स। सो ई इंटू एफ एक्स, यहाँ पे क्या था इंटू एफ एक्स था ना, तो एफ एक्स से एफ एक्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा ई इक्वल्स टू ई की पावर एच डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ म्यू इक्वल्स टू वन अपॉन टू ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू। तो म्यू म्यू क्या होता है एवरेजिंग ऑपरेटर, और एवरेजिंग ऑपरेटर इक्वल्स टू क्या होता है एवरेजिंग ऑपरेटर इंटू वाई एक्स, जब हम एवरेज ऑपरेटर को किसी फंक्शन के साथ ऐड करते हैं तो वन बाई टू वाई एक्स प्लस एच बाई टू प्लस वाई एक्स माइनस एच बाई टू। ओके, अब यहाँ पर जो वाई एक्स प्लस एच बाई टू है इसे हम शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज करेंगे तो ई की पावर हो जाएगी वन बाई टू वाई एक्स, क्योंकि एच की इंटू किससे हो रही है वन बाई टू से, प्लस वाई एक्स माइनस के एच बाई टू है तो यहाँ पर एस की मल्टीप्लाई किससे हो रही है माइनस के वन बाई टू से, तो ई की पावर माइनस के वन बाई टू इंटू वाई एक्स। नाउ वन बाई टू ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस के वन बाई टू, यहाँ पर हमने वाई एक्स जो है वो बाहर ले लिया कॉमन, अब वाई एक्स से वाई एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा हमारा म्यू इक्वल्स टू वन बाई टू वाई एक्स, सॉरी वन बाई टू ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस के वन बाई टू, क्योंकि वाई एक्स से वाई एक्स हो गया अपना कैंसिल। तो ये हमने कर दिया आसानी से प्रूफ, आप इन सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए, अब हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सभी काम आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।